खबर ग्वालियर से है, जहां प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान में आयोजित 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में स्पंदन 2024 का सफल समापन हुआ। अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या में भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। सांस्कृतिक संध्या के दौरान जहां एक और भारतीय संस्कृति की भावना एवं परंपरा से ओतप्रोत भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की प्राचीनता एवं विभिन्नता का परिचय दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरा सांस्कृतिक प्रोग्राम भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का संगम दिखाई दे रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रार्थना एवं दीपक प्रज्वलित कर की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे एवं सम्मानीय अतिथि के रूप में नीतू माथुर उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि का स्वागत डॉक्टर हरिओम अवस्थी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर निशान जोशी ने कहा कि संस्थान सदैव ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने में संस्थान का वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। चार दिवसीय वार्षिक महोत्सव में शानदार प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान की तरफ से पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। जी सर, ये समापन समारोह है हमारे 27वें स्पंदन के संस्करण का। दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आप सारे सभी मीडिया बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो मैं पहले भी बता रहा था, इस बार हमारा फोकस कल्चर और आर्ट रहा है और इसको हमने इस बार मेन थीमेटिक फोकस के अंदर लिया है। इस तरीके को देखिए, हर साल के मुकाबले इस बार इवेंट्स ज़्यादा हुए हैं और उनमें प्राइज मनी भी बड़ी है। इस बार करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा की प्राइज मनी वितरित की जाएगी कैश फॉर्म में ही। और आप देख रहे होंगे इवेंट का स्केल भी बहुत बड़ा हो गया है। जनरली हम शाम को करते हैं इवेंट, इस बार हमको दोपहर में स्टार्ट करना पड़ा और हॉल फुल है। आप ये समझिए कि करीब 60 लोगों को 25 इवेंट्स के अंदर प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।